असलकम वरमत ला जो भी मांगना है हमेशा अल्लाह से मांगो बेशक वही हमारी दुआएं सुनता है और अल्लाह हमारे गुनाहों को बख्शते हमारे वालदेन की मगफरत फरमा हमारे रिस्क उमर अमाल इज्जत आबरू अकल इलम और फहम फहमोशूर में बरकत अता फरमा हमारे तमाम ख़ानदान को हमेशा सलामत रख पूरी दुनिया और पूरी दुनिया वालों को हम सबको को राह रास्त पर कायम रखने की तौफीक अता फ़रमा आमीन सुम आमीन इस तरह की वीडियोस को देखने के बाद आपके जहन में ये आइडिया आता होगा कि खुशी मकबूल पहले आइडियाज़ वीडियो में दुआ देती है फिर आपको डिज़ाइनिंग दिखाती है तो ये डिज़ाइनिंग इसलिए दिखाई जाती है घर बैठी प्यारी बहनों को कि जो बहनें मार्केट नहीं जा पाती जिन्हें डिज़ाइनिंग का या फैशन का शौक़ होता है डिज़ाइनिंग देखने का शौक होता है तो वो इस तरह की आइडियाज़ वीडियो से हेल्प लेती हैं डिजाइनिंग को फॉलो करती हैं मार्केट का विजिट करती हैं अगर शॉपिंग करनी हो वरना अपने किसी भी फ्रेंड से कजन से सिस्टर से मम्मा से फैमिली से या अपने हस्बैंड को पिक दिखाकर बोल देती हैं कि मुझे इस तरह का हैंड बैग ला कर दीजिएगा किसी भी ब्रांड का वो नाम बता दे वरना कोई भी आप किसी भी लोकल ब्रांड का ले सकते हैं लोकल शॉप पर जाकर हर तरह के हैंडबैग मिल जाते हैं लेकिन मटेरियल चेक कर कर लें लेदर में लेना है आपने किस कलर में लेना है प्रिंटेड लेना है प्लान लेना है बन लेना है खुला लेना है क्योंकि डिजाइनिंग अलग अलग होती है ये डिज़ाइनिंग स्पेशली आपके लिए ये बहुत ही खूबसूरत हैंड है आप किसी भी सफर में जाने में अगर आप चाहती हैं इस तरह का बैग लेना तो आप ज़रूर लें क्योंकि इसमें कैपेसिटी भी ज्यादा होती है इसमें हम अपनी मुख्तलिफ चीजें रख सकते हैं मोबाइल्स और अपनी जेब खर्च और इसके अलावा अपनी मेडिसन कीज और कुछ ऐसी चीजें जो हमारी लेडीज की भी होती हैं प्राइवेट और इसके अलावा और भी बहुत कुछ इसमें मेकअप बहुत जरूरी लेडीज के लिए होता है मिरर तो स्पेशली होता है और इसके अलावा कंगा और शीशा जो हम कहते हैं सादे लफ्जों में कंगा शीशा तो हर औरत के पास होना चाहिए बैग में और मोबाइल भी बाकी आपकी अपनी मर्जी है जो जो चीजें आपने रखनी है सफर में जाना है या ऑफिस वर्कर है या मार्केट जा रही है किसी के यहां जा रही हैं